आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि पुअर पॉस्चर क्या होता है और हम इसको डेवलप कैसे करते हैं ओवर टाइम और कैसे हम इसको फिक्स कर सकते हैं सिंपल स्टेप्स के थ्रू। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि पुअर पॉस्चर है क्या। ठीक हो गया, यहाँ पर खड़े होकर मैं आपको पहले बताती हूँ। ठीक है, पुअर पॉस्चर में आपके जो शोल्डर्स हैं वो राउंडेड हैं, जो आपका हेड है वो फॉरवर्ड है, ठीक है, और आपकी जो बैक है वो थोड़ी सी स्लाउच्ड है। ये दिस इज योर नॉर्मल पॉस्चर और ये आपने डेवलप कर लिया है। ठीक है, अब इसका डायग्नोसिस आपको बताते हैं। यहाँ पर हम रखते हैं अपना क्यू कार्ड। ओके, आपने अपने थम्स ऐसे रख लेने, ठीक है, साइड प्रोफाइल भी देखिएगा, ये आपने थम्स ऐसे रख लेने नॉर्मल जो आपके होते हैं। ठीक है, और अब जो आपका नॉर्मल पॉस्चर है, जिस पॉस्चर में बिल्कुल बगैर किसी टेंशन के आपने खड़े हो जाना, जो आपका नॉर्मल पॉस्चर है, अब ये मेरा नॉर्मल पॉस्चर है। यहाँ पर मैं जब अपने थम्स को फॉरवर्ड करूँगी तो मेरे थम्स फॉरवर्ड हैं बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, नॉट इंटेंशनली नहीं हमने स्ट्रेट करना, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल है ये क्या। अब साइड प्रोफाइल में आप देखें, साइड प्रोफाइल में मैं ये कर रही हूँ, मेरे थम्स बिल्कुल फॉरवर्ड आ रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे जो ईयर है वो राइट ओवर माय शोल्डर है, ठीक है, ठीक है, ये, और जो मेरे शोल्डर्स हैं वो बैक हैं, स्ट्रेस स्ट्रेट है, बैक भी स्ट्रेट है, जो न्यूट्रल आपका स्पाइन की लोकेशन है एग्जैक्टली उसी तरह से है और ये फॉरवर्ड आ रहे हैं। ठीक है, अब पुअर पॉस्चर का आपका क्या प्रॉब्लम होता है, साइड से भी हम आपको करके दिखा देते हैं। ये जो ईयर्स हैं आपके बिल्कुल शोल्डर के ऊपर होने चाहिए और ये थम्स फॉरवर्ड आ रहे हैं। अब आपका जब पुअर पॉस्चर होता है, जिसमें मैंने भी बताया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें हम वैसे उस पॉस्चर की तरह खड़ेंगे होंगे और अब जब मैं करूँगी तो मेरे जो टो ये टोज हैं बिल्कुल सामने, थम्स सामने की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, ये आपका डायग्नोसिस होने चाहिए, ये यू फॉरवर्ड होने चाहिए जब आप खड़े होंगे और फॉरवर्ड लेकर आएंगे तो ये। तो अब यहाँ पर आप देखें एग्जैक्टली, अब ये मेरा पूरा पॉस्चर है, मेरा जो ईयर है वो थोड़ा आगे आ गया, हेड भी आगे है, शोल्डर्स राउंडेड है, बैक स्लाउच है, और अब जब मैं ऊपर करूँगी तो मेरे जो थंब है वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने फेस कर रहे हैं। तो ये हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपका पूरा पॉस्चर है और नाउ यू नो हाउ टू फिक्स इट। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एक ही बात बताऊंगी, हमारी बॉडी जो है वो इंतहाई डायनेमिक है। अल्लाह पाक ने बोला ना, ये सबसे अशरफुल मखलूकात है, इज द बेस्ट क्रिएचर, ये हर जैसी भी इन्वायरमेंट होती है उस जगह पर अपने आप को ढाल लेती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है, मोल्ड हो जाती है जैसी इन्वायरमेंट मिल रही होती है। सर्दियाँ भी हम लोग फ़ौरन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, गर्मियाँ भी कर लेते हैं, लेकिन आपकी जो बॉडी है ना, जब आप उसके साथ कोई भी ज्यादती या जुल्म करते हैं वो उस वक्त अडॉप्ट तो कर लेती है लेकिन ना माफ़ करती है ना भूलती है। अच्छा। अगले 10 साल बाद उसका वो ज़रूर रिएक्शन आपको देती है। तो बेहतर है कि आप उसको फ़ौरन, जो भी कोई गलती आप कर रहे हैं, जो ज्यादती कर रहे हैं अपने बॉडी के साथ, उसको सुलझा दें, उसको ख़त्म कर दें। ओके, जब हम लगातार इस पुअर पॉस्चर में रहते हैं, इसकी रीजन क्या है, सबसे बड़ी रीज़न है लोगों की डेस्क जॉब होती है।